सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, वेद, नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि वह भक्तों को आज वसांतिक नवरात्रों के इस अवसर पर जो है चौथे नवरात्र के इस अवसर पर माँ कुष्मांडा देवी का महत्व बतलाते हुए भक्तों को अपने आशीर्वचनों द्वारा लाभान्वित करें परम श्रद्धा गुरु जी। अरुणकमल संस्था तद्रजा पुंजवर्ण करकमल धृतेष्टा भीतियुग्मांबुजाच मणिमुकुट विचित्रालंकृता पद्मजालै सकल भुवन माता संततम शिशुयेन। परम समादरणीय यहाँ के प्रशासक यज्ञ के प्रधान यजमान श्री नरेश कुमार शर्मा जी, सपत्नीक, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर आपका इस सिद्ध पीठ पर अभिनंदन, आपका स्वागत। आज आप चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर भगवती माँ का जो चौथा स्वरूप है कुष्मांडा का, उसके दर्शन कर रहे हैं। कुष्मांडा इनको क्यों कहा गया? अंड होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का सृजन करने के कारण, ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण से इनको कुष्मांडा कहा जाता है। और जिस समय संसार में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, इन्हीं देवी ने संसार की रचना की थी और उसी समय से इनको कुष्मांडा कहा जाना लगा। भगवती वैष्णवी का जो निवास सूर्य मंडल के भीतर का जो लोक है, उस लोक में ये रहती हैं और उसी की तरह और उसमें दिव्य कांति से युक्त और बहुत प्रभावशाली देवी मानी जाती हैं। सूर्य मंडल में और भी किसी के रहने की सामर्थ्य नहीं है, केवल इन्हीं माँ में है। और ये सिंह वाहिनी है, चतुर्भुजा हैं, अष्टभुजा हैं, आठों भुजाओं में से सात भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्मादि लिए हुए हैं और जो आठवीं भुजा है, आठवां हस्त है, उसमें आठ सिद्धियां और नौ निधियां ली हुई हैं। आठ सिद्धियां कौन कौन सी हैं आप जानते होंगे, बहुत बार बतलाया जा चुका है। अणिमा है, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। उसके बाद नौ निधि हैं, आप पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो नवनिधि कौन सी हैं? निधि का अर्थ होता है खजाना, तो वो नवनिधि कौन सी हैं? महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील। महापदमश्च पदमश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवाश्च निधियो नव। ये नौ प्रकार की निधि जो है वो कही गई हैं और वो भी इनके पास विद्यमान है। संस्कृत में जो पेठा होता है उसको कुष्मांड कहते हैं, कुष्मांड शब्द का अर्थ पेठा होता है। तो पेठे की बलि इनको बहुत प्रिय है, कुम्हरे की बलि बहुत प्रिय है और कुम्हरे की बलि प्रिय होने के कारण से भी इनको कुष्मांडा कहा जाता है। मैं ये कहूंगा
कि बहुत से भक्त जो हैं वो माँ के आगे अपने अपने इष्ट आराध्य के आगे बैठते हैं और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और उसके बाद ऐसी प्रथा कई बार आई है कि बलिदान की प्रथा आई है। बलिदान किसका करना चाहिए? सर्वप्रथम यदि हम अपने भगवान के आगे इष्ट के आगे बैठे हुए हैं और वहां पर यदि सर्वप्रथम हमें बलिदान करना है तो आत्मा का बलिदान करना है। आत्मा का बलिदान करने का मतलब क्या है कि आत्मा काट कर चढ़ा देना। चढ़ाने का मतलब ये नहीं भी दराती से काटना है या छुरी से काटना है, बल्कि उस भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करने, अर्थात जो भगवान है वही मैं हूं। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। देवो भूत्वा देवम जयेत, देवता बनकर के देवता की उपासना करनी चाहिए। और जिस समय देवता में मेरा और तेरा भाव रहता है कि ये देवता है और ये मैं हूं, तब तक पूरी आराधना नहीं हो पाती। जब उस देवता में एक ही हो जाता है, जो ये देवता है वही मैं हूं। अब चावलों से और तेल को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जल को जल में मिला देंगे तो जल वो उसको अलग कैसे किया जा सकता है। इसलिए आप ऐसी भावना ऐसी बात करें कि अपनी आत्मा जो है वो उस पर चढ़ा दें कि बस ये जो है उसमें जो दास भावना है, दास भावना तब तक हमारी थी जिस समय तक वो देवता थे और मैं था। जिस समय दास में से जो द अक्षर जो है वो चला गया और सदा सोहम में से जो सोहम केवल रह गया, तो अब भगवान में और आप में कोई किसी प्रकार का अंतर जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए अपना आप भगवान को समर्पित कर दें। ये पहला बलिदान है, सबसे उत्तम कोटि का बलिदान है। बहुत कम लोग इस बलिदान को कर पाते हैं। दूसरे प्रकार का बलिदान क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इनका बलिदान कर देना, ये दूसरी कोटि का बलिदान है। तीसरी कोटि का बलिदान क्या है? तीसरी कोटि के बलिदान में आता है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवती की पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत सी अच्छी चीज चढ़ी हुई है, आपका दिल करता है भी ये चीज मैं प्राप्त कर लूंगा या प्राप्त कर लूंगी, उस चीज को छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, उसका बलिदान कर देना, ये तीसरी कोटि का बलिदान है। और यदि बलिदान करना ही है तो हिंसा क्यों करनी है हमें? पशुओं की बलि क्यों करनी है? हम बलिदान करें, हम पेठे का बलिदान करें, किसी फल का बलिदान करें, किसी गन्ने का बलिदान करें, और भी यदि पशु रूप में ही किसी की बलि करनी है, आटे का पशु बना करके उसकी बलि चढ़ा दें, मतलब हिंसा के लिए जो बलिदान करना है ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए माँ भगवती के दरबार में आप आए हैं और ये कुम्भे की बलि जो है वो भगवती माँ को सर्वप्रिय है, और सर्वप्रिय होने के कारण से ये एक उत्तम कोटि का बलिदान भी कहा जा सकता है। लेकिन पहली कोटि का बलिदान आत्म बलिदान, दूसरी कोटि का बलिदान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, और तीसरी कोटि का बलिदान जो है वो अपने जो प्रिय वस्तु है उस प्रिय वस्तु को भगवान वहां से न लेना, उसको छोड़ देना वहीं पर। और चौथी कोटि का बलिदान जो है वो यह है कि हम किसी फल की बलि दें, हम किसी गन्ने की बलि दें, हम किसी अन्य पेठे की बलि दे दें, इस प्रकार के बलिदानों से हम आगे बढ़ना चाहिए। जब माँ भगवती भक्त पर प्रसन्न होती है और उस समय दीर्घायु, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य जो है वो उसको देती है। जिस अब आज चौथा नवरात्र है, भक्तों की भावना, भक्तों की भक्ति, भक्तों की उपासना, जप, पूजा, पाठ दिन प्रतिदिन ऊपर उठते जा रहे हैं, अर्थात अग्रसर होते जा रहे हैं। उनकी भावना परिपक्व होती जा रही है, उनकी भक्ति परिपक्व होती जा रही है, और इस भावना के अनुसार भक्त को भगवती का आशीर्वाद प्रतीत होना प्रारंभ हो जाता है, भगवती के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। इन आंखों से तो नहीं, लेकिन उसको आभास होने लग पड़ता है कि भगवती मेरे आसपास में है, भगवती साक्षात है। अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। और मैं एक इस समय विशेष रूप से ये बात कहना चाहूंगा, हमारे तो ये कहा है कि
अच्छे पुत्र अच्छी पुत्रियां जब पैदा होती हैं, अच्छी संतान जब पैदा होती है, तो वो वंशों को, खानदान को, अपने गांव को, नगर को, राष्ट्र को आगे बढ़ा देने वाली होती है। लेकिन अच्छी संतान बनती कैसे है? पुण्यतीर्थे कृतम येन तपः क्वाप्यति दुष्कृतम तस्य पुत्रो भवेत् वश्या समृद्धो धार्मिका सुधी। जिसने बहुत पुण्य तीर्थों पर जाकर के, अच्छे स्थान पर जाकर के, या घर में ही या मंदिरों में बहुत बड़ी भारी तपस्या की हो, उसके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, उसके पुत्र वश अपने वश में रहने वाले होते हैं, उसके पुत्र विद्वान होते हैं और उसके पुत्र समाज की रक्षा करने वाले होते हैं। अगर अच्छी संतान की कामना करते हैं तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगी। और हमारी जो संतानें हैं उनमें कोई किसी प्रकार की कोई कोई व्यसन दुर्व्यसन ना आ जाए, और दुर्व्यसन यदि संतान में आएगा तो वो हमारी एक परंपराएं जो हैं, हमारी पीढ़ियां जो हैं, वो अव्यवस्थित हो जाएंगी। इसलिए जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग समाज का संरक्षण करने वाले बने, युवा वर्ग आगे बढ़ें, और युवा वर्ग में कोई किसी प्रकार की एक दुर्व्यसन की बात ना आए। यदि किसी में हो तो दुर्व्यसन को छोड़ देना चाहिए। यदि एक युवक में यदि किसी प्रकार का दुर्व्यसन लगता है वो पूरे परिवार को फिर वो खराब करता है। इसलिए मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूंगा, सभी शिक्षकों से, सभी गुरुजनों से, सभी महात्माओं से, सभी एक आध्यात्मिक गुरुओं से और सभी शासन करने वाले लोगों से भी, कि भाई दुर्व्यसन जो है वो हमारा दूर हो जाना चाहिए, ताकि हमारे युवा स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और बुद्धिजीवी हों और ये समाज का संरक्षण करने वाले बने। इस शुभ अवसर पर आज चतुर्थी तिथि है, चौथा नवरात्र है, चतुर्थी तिथि के उपासक भगवान, चतुर्थी तिथि के देवता जो हैं वो भगवान गणेश हैं, और गणेश की पूजा करने के लिए पुजारी जी ने सर्वप्रथम गणेश पूजन किया, उसके बाद भगवती की पूजा की। गणेश पूजन आप सभी करते हैं, लेकिन उससे जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उन शिक्षाओं को प्राप्त कर लेना चाहिए। और मैंने हो सकता है बहुत बार बतलाया हो, आपने सुना भी हो, लेकिन दुरुक्ति दारिद्र सूचिका, बार बार किसी प्रकार की बात को बतलाना दृढ़ता सूचक होती है और वो बुद्धि में दिमाग में बात बैठ जाती है। इसलिए भगवान गणेश का आधा शरीर मनुष्य का शरीर है और ये ऊपर का शरीर जो है ये हाथी का सिर है। केवल आप, मैं संक्षिप्त से कहूंगा कि इससे आपने क्या शिक्षाएं लेनी है और किस प्रकार की शिक्षाओं को, ये शिक्षा केवल मैं अपने आपको तक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर श्रद्धा चैनल के जो लोग हैं ये दिन प्रतिदिन उन शिक्षाओं को पूरे विश्व में बतला रहे हैं, जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक ये शिक्षाएं जाती हैं, और इनको भी इस प्रसारण का पुण्य जो है वो भागी होना पड़ता है, पुण्य का भाग मिलता है। शिक्षाएं क्या है? गणेश का जब पूजन करते हैं सर्वप्रथम, तो आप सबसे पहले ये सिर से क्या शिक्षा लेनी है? सिर से ये शिक्षा लेनी है कि हम कभी किसी के साथ सिर भिड़ा करके ना रहें। अर्थात हाथी जो होता है, हाथी का सिर है गणेश का, तो हाथी कभी किसी दूसरे के साथ भिड़ता नहीं है, और यदि हम सिर भिड़ाना छोड़ देंगे तो जीवन में हमारे किसी प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे और हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मस्तिष्क विशाल है, बड़ा मस्तक है, तो बड़े मस्तक का मतलब यह है कि संकुचित भावनाएं न रखें, एक छोटी मोटी भावना रख कर करके, और अपने एक जिस प्रकार का कुंभ मंडूक होता है, कुंभ में एक मेंढक होता है, वो इधर से उधर छलांग लगाता है, उधर से उधर छलांग लगाता है, वो सोचता है भी सारा संसार यही है, हम इतनी इस प्रकार की बात ना करें, विशाल मस्तिष्क बनाएं, और अपनी जहीं कहीं की भी कोई सोच है वो एक समाज के योग्य सोच हो, हमारी उन्नति के लिए सोच हो, परस्पर मैत्री संवर्धन की सोच हो और अपनी उन्नति की सोच हो, इस प्रकार की सोच बनाएं और बड़ा विशाल मस्तिष्क रखें, छोटा मस्तिष्क ना रखें। उसके साथ साथ हाथी के या गणेश भगवान के बड़े बड़े कान हैं, इनमें सब कुछ सुने, निंदा चुगली आदि सब कुछ सुने, लेकिन जो भी करना है वो बुद्धि से विचार करके इस प्रकार के काम को करें। उसके बाद गणेश की, जब हाथी की आंखें हैं, संसार में एक ही प्राणी ऐसा है हाथी जिसकी आंखें अपने से दूसरों को बड़ा देखती हैं, और ये हाथी से अर्थात गणेश पूजन से आपने ये गुण लेना है कि मैं सभी लोग जो हैं मेरे से बड़े हैं, अपने से सबको बड़ा समझें, और जब अपने से किसी दूसरे को बड़ा समझेंगे तो अपने जीवन में किसी प्रकार के विघ्न जो हैं वो नहीं आएंगे। और ये निश्चित बात है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, उसमें कोई एक विशेष खासियत होती है, विशेषता होती है। इसलिए अपने से दूसरे लोगों को हमेशा बड़ा समझें, और जो दूसरों को बड़ा समझता है अपने से, उसके जीवन में कभी विघ्न बाधा नहीं आती है। उसके बाद
अपना नाक जो है वो एक इस प्रकार हाथी का नाक, हाथी का मतलब गणेश जी का नाक बहुत लंबा है। अपनी सोच बहुत लंबी रखें, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो इरादा है वो बहुत बड़ा रखें। छोटी सोच रख कर करके मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ता नहीं है, उद्योग नहीं करता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता है। बहुत बड़ी सोच होगी तो मनुष्य हर समय प्रयासशील रहेगा और प्रयत्न करेगा और उसके बाद फिर वो उस मुकाम तक, उस स्थान तक, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे बुजुर्ग, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को जब काम के लिए भेजते हैं, जाओ बेटा ये काम करके आना, कहीं नाक नहीं कटवा देना। तो नाक कटवाने का मतलब जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम का विशेष प्रकार से ध्यान रखना, ये गणेश जी के नाक से हमें ये प्राप्त करना है। उसके बाद हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और ये यदि आपका कोई प्रतिरोधी है, आपका कोई वास्तव में मान लो कि कोई शत्रु है, कोई विरोधी है, तो उसको भी हंस करके कुछ बतलाते चलिए। और यदि आप शत्रु के पास से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा करके चलते जाइए, वो सोचेगा भी देखो मैं तो सोच रहा था इसके साथ मैंने किसी प्रकार की बुराई करनी है, लेकिन मैं बुराई क्यों करूँ, ये तो हंस करके चल रहा है। इसलिए अपने दांत उसको इस प्रकार से बतलाते रहे ताकि दृढ़ में उसको ही जी रहे और शत्रु फिर इस प्रकार की कोई आक्रमण जो है वो आप पर नहीं करेगा। दांतों के अंदर ये 32 खंभों का किला जो है बना हुआ है और इसके अंदर एक क्या रहती है, जीभ रहती है। ये सबसे बड़ा भयंकर काम करती है, लोग गाली निकाल देती है, उल्टा सीधा कुछ कह देती है और उसके बाद खुद अंदर चली जाती है। आपने कभी देखा होगा जीभ को कभी मार किसी से नहीं पड़ी। और इसलिए स्वामी तुलसीदास ने भी ये कहा है कि तुलसी अपने राम को भजन करो निसंक, आदि अंत निवाही के जैसे नव को अंग। तो ये अपने उसका जो बात करनी है, नहीं उसके ये तो मैं एक बोल गया हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इस बात को आपको बाद में दोबारा किसी दिन और फिर कहूँगा। उसने कहा कि रहिमण जिब्भा बामरी कह गई स्वर्ग पताल, कही करी तो भीतर गई जूते खाए कपाल। जीभ कह देती है, गालियां निकाल देती है, उल्टा सीधा कह देती है और जूते जो है वो कपाल पर पड़ते हैं। इसलिए अपनी हाथी की जीभ और गणेश भगवान की अर्थात हाथी की जीभ जो है वो जहाँ से लेकर पीछे की ओर गई हुई है, यदि उससे आप शिक्षा प्राप्त करें गणेश पूजन से, तो ये शिक्षा मिलती है कि अपनी जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए, अपनी जीभ उल्टी कर देनी चाहिए ताकि हमसे कोई अव्यवस्थित बातें ना निकलें। उसके बाद ये बड़ा पेट है, इस पेट में निंदा चुगली आदि सब कुछ इसमें समा जाए। ये नहीं कि छोटी सी बात किसी से कोई बात कही, किसी ने कोई गलत बात भी कह दी, हो कर कर करके इस प्रकार का ऐसा ढिंडोरा पीट दिया जिससे कि एक गलत एक संदेश जो है वो लोगों को जाता है। विचार करके और पहले पेट में इस प्रकार की ऐसी बात रखें और निंदा भी सुनी है, चुगली भी सुनी है, सब कुछ सुना है और बुद्धि से उस प्रकार की बात का विवेचन करें आगे जा करके। उसके बाद अब एक चीज रहती है, भगवान गणेश का जो वाहन है, इतने बड़े गणेश भगवान और छोटा सा चूहा उनका वाहन बना है। ये भगवान गणेश ने एक आप हम सबको एक एक दिग्दर्शन दिया है, एक दिशा निर्देश दिया है कि यदि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो चूहा जो होता है क्या होता है, ये चंचल होता है बहुत, और चंचलता पर जब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, चंचलता को नहीं दबा पाएंगे, हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। आप जप करना बैठ जाइए, पूजा करना बैठ जाइए, किसी शास्त्र का अभ्यास करना बैठ जाइए, किसी काम में लग जाइए और यदि चंचलता आप में है कभी इधर, तो वो काम में सिद्धता नहीं आती है, काम अव्यवस्थित होता है, काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए चूहे से अर्थात भगवान गणेश ने सबसे पहले जो चंचलता को दबाया है, उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाया है कि आप सबसे पहले मन की चंचलता को दबाएं और उसके बाद सब प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होंगे। ये इस प्रकार से यदि आप जीवन में चलते हैं और भगवान गणेश से भी प्रार्थना करते हुए भगवती माँ की आराधना करते हैं तो ये निश्चित ही आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो लोग इस समय कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, कई प्रकार के एक असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं, उनको भी ये चाहिए कि भगवती के जो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का यथाविधि का प्रयोग करना चाहिए। एक मंत्र है कैंसर के लिए, असाध्य रोग के लिए, एड्स के लिए, और इस असाध्य रोगों को दूर करने के लिए मंत्र सभी विद्वज्जन उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उसमें ये देख रहे हैं कि मंत्र क्या है। रोगान शेषान अपहंसे तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला नभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता झाश्रयतां प्रयान्ति।
कोशिश करें कि भाई मंत्र का जप करते करते मंत्र का अर्थ भी जो है वो आपको ध्यानगम्य होता चले। रोगाण शेषाण अपहंसी तुष्टा, हे माँ, हे जगज्जननी जगदम्बा, जो आप तुष्ट होती हैं, आप प्रसन्न होती हैं, तो सब प्रकार के रोगों को आप नष्ट कर देती हैं। रुष्टा तु कामान सकलान्विष्टान, यदि आप रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, तो हमारे जितने भी मनोविलसित काम हैं उन सबको नष्ट भी कर देती हैं। त्वाम आश्रितानां न विपन्नराणां, जो आपकी आश्रय में चले जाते हैं उन पर कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। और त्वाम आश्रिता झा सहिताम प्रयान्ति, आपके आश्रय में जो लोग आते हैं और वो दूसरे लोगों को भी आश्रय देने वाले बन जाते हैं। और इस प्रकार की ये आराधना इस मंत्र के माध्यम से करें। और यदि आपने 1,25,000 इसका जप किया या 1,25,000 इसका पाठ किया या कुछ भी किया, उसके बाद यदि इसका हवन करना हो भगवती को प्रसन्न करने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए, गिलो होती है, गिलो, उसको हम गुरुची भी बोलते हैं और गिलो भी बोलते हैं। गिलो की समिधाओं को घी में भिगो करके हवन कर देने से असाध्य रोग भी जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवती जो है उसने सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, पूरे विश्व की कल्याण के लिए कई प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों का साक्ष्य करना, उनका पाठ करना, पूजा करना, लेकिन विधि विधान से, केवल एक जगह पर हम बैठ करके उस विधि से ना जाएंगे। अगर एक लिफाफे पर किसी का एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा और उस लिफाफे को हम भेज देंगे, वो लिफाफा ना मेरे पास आएगा ना दूसरे के पास जाएगा। इसलिए उसके प्रतिज्ञाओं के माध्यम से और जो उसकी जो विधि है उस विधि के माध्यम से यदि आप बात करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और भगवती माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके कार्यों को भगवती भीष्ट भी सिद्ध करें। अभी पुजारी जी आरती करने वाले हैं और इस आरती में कुष्मांडा भगवती का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने मनोविलसित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करें। मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको कहूंगा, ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धताम पुनर्ब्रह्माणो वसुनीत यद्भिः घृतेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव क्षीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं।